हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा आपको मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ मुकेश चौधरी, आई एम टीचिंग जेई मैथ्स फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स एंड करंटली आई एम वर्किंग इन रेजोनेंस एट जोधपुर स्टडी सेंटर। आज का अपना चैप्टर रहेगा रिलेशन। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर है, जेई मेंस के सिलेबस के अंदर भी चैप्टर है, बट जेई एडवांस के सिलेबस में चैप्टर नहीं है। मींस जेई एडवांस यहां से कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। जेई मेंस जो सवाल पूछता है, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम एक सवाल हर साल यहां से वो पूछता रहा है। मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा होता है सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी एंड रिलेशन को मिला के वो हमेशा एक सवाल पूछेगा आपसे। बड़ा ही आसान सा सवाल यहां से आता रहा हर साल। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में टर्म काम आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं यहां पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसका डेफिनेशन लिखा है मैंने, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए क्लास 11th में जब आपने सेट थ्योरी पढ़ा होता है तो वहां पे देखा होता है आपने कि कोई भी दो सेट्स के ऊपर अगर कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, एक सेट ही आता है। तो ऐसे ही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक ऑपरेटर ही यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये जो ऑपरेटर आप लगाया आपने दो सेट्स के बीच में, इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में क्या, एक सेट ही आएगा। अगर सेट आएगा डेफिनेटली ये कर्ली ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। इसका जो एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट यहां बनता है एक ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये वाली बात ही जानते हैं आप, क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होता है आपने। जैसे पॉइंट लेते हैं आप एक्स कॉमा वाई, तो पॉइंट भी क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर ही होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डर फिक्स है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा देन वाई कोऑर्डिनेट आएगा। पेयर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये दो कंपोनेंट्स यहां पे, तो दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसका जो एलिमेंट बनेगा वो अपने आप में क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है, जिसका जो पहला कंपोनेंट होगा ए वो आएगा पहले सेट से यानी ए से यहां पे, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो आएगा सेकंड सेट यानी बी से। वो लिखा मैंने ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर एग्जांपल इसको लिया जाए, सेट ए लिया मैंने 1, 2, 3 एंड सेट बी अल्फा कॉमा बीटा, देन अब जो ए क्रॉस बी यहां बनेगा वो बना सकते हैं क्या बनेगा? आपने बोला कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनके दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट एक सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑलवेज सेट पहले सेट से आना है और सेकंड कंपोनेंट ऑलवेज सेकंड सेट से आना है। अब देखो कैसे बनाएंगे आप, पहले सेट यहां पे ए लिखा है तो ए का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, जैसे मैंने यहां 1 लिया। अब 1 के साथ में सेट जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट आपको वरी करवा के ऑर्डर पेयर करवाने यहां पे, जैसे फर्स्ट बन जाएगा यहां पे 1, अल्फा, ऐसे 1, बीटा। 1 का काम खत्म, अब 2 पे आ जाओ, 2, अल्फा, 2, बीटा, 2 का काम फिनिश, अब 3 पे आ जाएगी, 3 बन जाएगा 3, अल्फा एंड 3। ये इसके एलिमेंट्स बन जाए। टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 इसके एलिमेंट है। अब इसी एग्जांपल के लिए बी क्रॉस ए बनाया जाए, वो भी देख लेते हैं क्या बनेगा। बी क्रॉस ए अगेन एक सेट ही बनेगा, इसके जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनके जो कंपोनेंट्स बनेंगे फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी से होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट ए से होगा। इस बार आपको सेट बी के एलिमेंट पहले लेने हैं, तो बी देखिए अल्फा मैंने फिक्स कर दिया पहले, तो ये अल्फा कॉमा 1 बन जाएगा, देन अल्फा कॉमा 2 बन जाएगा, ऐसे अल्फा कॉमा 3 बन जाएगा। अल्फा का काम करता है बीटा का, जो बीटा के लिए बीटा कॉमा 1 देन बीटा कॉमा 2 एंड लास्ट एलिमेंट विल बी बीटा कॉमा। अब ध्यान से देखिए, अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो सेट्स आपको दिख रहे होंगे, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल ही है, टोटल एलिमेंट यहां भी 6 है और वहां भी 6 है,
बट क्या दोनों सेट्स आपस में इक्वल है या नहीं आपको चेक करना है। तो आपने पढ़ा होता है सेट थ्योरी में कि कोई भी दो सेट्स इक्वल तभी होते हैं जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और साथ में जो अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं वो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, यहाँ भी सिक्स और वहां भी सिक्स, बट तो अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो यहाँ पे सेम नहीं है। देखिए जरा क्यों, यहाँ पे क्या है 1, अल्फा और यहाँ पे क्या है अल्फा कॉमा 1, ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपस में इक्वल नहीं है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट भी क्या इक्वल हो। यहां फर्स्ट क्या है वन और वहां फर्स्ट क्या है अल्फा, ये दोनों कंपोनेंट मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस एलिमेंट भी सेम नहीं है, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो डेफिनेटली यहां भी इस एग्जाम्पल के अंदर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस आपस में इक्वल नहीं है। अगर इसके लिए कुछ नोट लगा जाए, फर्स्ट पॉइंट इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, सामान्यतः ऐसा होगा, बाकी स्पेशल केसेस में इक्वल भी आ सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बड़ा आसान से आप कमेंट कर पाएंगे कि दोनों ये इक्वल कब आएंगे। दोनों इक्वल तभी आएंगे जब ये एलिमेंट सेम होंगे। अब एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी बनेंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल हो और साथ में सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल हो। तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इफ ए या फिर इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस Then, अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। थर्ड, इफ एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये मान लेते हैं सपोज अपन बी एंड एन ऑफ बी मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस, यहां पे कितना बन जाएगा पी इंटू क्यू। यहां पे देखिए एग्जांपल में इसमें तीन एलिमेंट है और यहां पे कितने दो एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने आएंगे 3 × 2 = 6 और यहां भी कितने 3 × 2 = 6। तो अगर सेट ए में बी एलिमेंट हो और सेट क्यू बी में क्यू एलिमेंट हो तो ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनने हैं पी इंटू क्यू बन जाना है। तो ये तो हो गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब अगर बात की जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स की तो वो भी एक बार देख लेते हैं क्या बनेगा, टू की बजाय यहां पे थ्री ले लेते हैं, थ्री सेट्स तीन सेट के में लेट ए बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अब इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जैसे वहां पे जो एलिमेंट बने थे ए क्रॉस बी की वो ऑर्डर्ड पेयर बने बिकॉज दो सेट थे, आप यहां पे क्या बनने चाहिए तीन सेट ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट ए कोमा बी कोमा सी, सच दैट ऑर्डर ट्रिपलेट में तीन कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट कहां से आएगा पहले सेट ए से, सेकंड सेकंड सेट बी से और थर्ड सेट सी से। तो ये ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी, ये इसका डिफरेंस। अगर एग्जांपल ले अपन इसमें लेट सेट ए ले लिया आपने एलिमेंट 1, 2 मान लेते हैं, सेट बी एलिमेंट इसके मान लेते हैं अपन अल्फा कोमा बीटा एंड सेट सी इसके एलिमेंट मान लिए मैंने ए कोमा बी, देन यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या बनेगा तो देखते हैं। ऑर्डर ट्रीटमेंट बन रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट ए सेकंड बी से और थर्ड सी से। तो एक काम करिए किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए पहला जो सेट ए है उसका कोई भी एक एलिमेंट फिक्स कर दो, पहला फिक्स कर दिया
ऐसे सेकंड सेट भी उसका भी एक एलिमेंट फिक्स कर दीजिए, कोई भी सेट में अल्फा फिक्स कर दीजिए। अब थर्ड सी सेट जो सी है उसके एलिमेंट आपको वारी करवाना है, एक बार ए एक बार बी, ये बन जाएगा वन अल्फा ए देन वन अल्फा बी। अब एक काम करिए, ए का तो एलिमेंट फिक्स रखना आपको, बी का जो एलिमेंट है वो चेंज कर दीजिए, इस बार बीटा फिक्स कर दिया देन सी का वारी करवा देंगे, तो ये बन जाएगा यहां पर वन बीटा ए वन बीटा, वन बीटा ए हो गया वन बीटा बी। अब ये जो सेट ए का एलिमेंट है वो भी आपको चेंज कर देना, इस बार मैंने टू फिक्स कर दिया, यहां पे आपने बीटा फिक्स कर रखा है, तो ये बन जाएगा टू बीटा ए देन टू बीटा बी। अब यहां पे बीटा की वजह अल्फा ले लीजिए, तो ये बन जाएगा टू अल्फा ए टू अल्फा बी। देखिए टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं इसके अंदर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल आठ एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट्स इसके अंदर भी दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं, तो टू इंटू टू इंटू टू टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल आठ एलिमेंट्स यहां बन जाने हैं। तो यहां भी फॉर्मूला बनाया जाए, ये जो सेट ए में p एलिमेंट हो, सेट b के अंदर q एलिमेंट हो और सेट c के अंदर r एलिमेंट हो, तो जो a क्रॉस b क्रॉस c बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, p इंटू q इंटू r, उसको ऐसे नोट लिख लेते हैं। लेट n ऑफ a इक्वल टू p, n ऑफ b and n of c equal to r, then n of a cross b cross c will be p into q into r। इसमें एक चीज और देखिए, जैसे मैंने ये लिखा a cross b cross c और यहां पे लिखा मैंने a cross b bracket cross c, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ये होंगे यहां पे नॉट इक्वल। अब ये इक्वल क्यों नहीं हुआ समझिएगा, बिकॉज यहां बन रहा है ऑर्डर ट्रिपलेट, यहां जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे इस टाइप के ए कमा बी कमा सी टाइप। यहां देखिए क्या होगा, पहले ए क्रॉस बी बनेगा, अब ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर आएगा, देन ये पूरा एक सेट बन गया और ये भी एक सेट है, तो अगेन यहां पे दो सेट से क्या निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो यहां जो एलिमेंट आएगा वो बनेगा समथिंग इस टाइप का a कोमा b ब्रैकेट, ये तो गैस का एलिमेंट और मान लेते हैं c का एलिमेंट है, तो c यहां से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इसका एलिमेंट बनेगा, अब डेफिनेटली दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये देखा आपने तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अपना जो चैप्टर है उसका नाम देख रहे हैं रिलेशन। अब रिलेशन परफेक्टली स्टार्ट करने से पहले जो जितना आपने पढ़ा अभी तक उस पे एक दो सवाल कर लेते हैं अपन, जैसा कि पहला सवाल अपन लेते हैं, फर्स्ट लेट एन ऑफ ए इक्वल टू सेवन, एन ऑफ बी इक्वल टू फाइव एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू थ्री, देन वी हैव टू फाइंड n of a cross b। सेट a में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 7, सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए 5 और a इंटरसेक्शन b में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए 3, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a cross b। जब भी कोई सवाल आपको दिया जा रहा है तो सवाल पढ़ने के बाद में, उसको लिखने के बाद में वीडियो आपको वहीं पॉज कर देना है और अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आंसर वेरीफाई करने के लिए वीडियो को आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आप किसी कारणवश उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो में जो सॉल्यूशन आ रहा है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए जरा क्या बनना चाहिए, ए में 7 एलिमेंट, बी में 5 एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट, देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आपने अभी फॉर्मूला लिखा था यहां पे, अगर ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है, ए क्रॉस बी हो या फिर बी क्रॉस ए, ऑलवेज दोनों में एलिमेंट कितने आने, पी इंटू क्यू आने। तो क्या
ई इंटरसेक्शन बी में जो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, उन एलिमेंट्स का ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आने वाला है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये सवाल में आपको यहां पर एक्स्ट्रा सूचना दे रखी है ओनली कंफ्यूज करने के लिए, इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं। तो अपना आंसर यहां बन जाएगा एम ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 7 × 5 विल बी 35। टोटल 35 एलिमेंट्स के अंदर बनेंगे। ए इंटरसेक्शन बी से कोई मतलब नहीं है यहां पे, वो मात्र आपको डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी। एक सवाल इसको और देख लेते हैं हम, देन अपने चैप्टर पे आएंगे। सेकेंड, लेट ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच थ्री आर, लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 4, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 4, 2, देन फाइंड remaining 3 elements. करिए सवाल को, अगेन वीडियो पॉज कर देना आपको और अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है। देखिए क्या करेगा सवाल में आपको, एक क्रॉस बी के अंदर टोटल 6 एलिमेंट आपको दिए जा रहे हैं, टोटल 6 एलिमेंट है जिसमें से 3 आपको दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 4, 2, then we have to find the remaining 3 elements. ध्यान से देखिए, जो भी A क्रॉस B बनना है, उसमें जो element आएंगे वो ordered pair बनते हैं। अब ordered pair का जो पहला component होगा, first component वो set A से आएगा, second component किससे आएगा, set B से आएगा। तो यहाँ से जो ये जो element आपको दिए जा रहे हैं, उन elements की सहायता से आप set A और set B यहाँ बना सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का सेट ए बनेगा और सेकंड कंपोनेंट का सेट बी बनेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट देखिए क्या क्या चल रहा है, 1, 3, 4। सेकंड कंपोनेंट देख लीजिए क्या चल रहा है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, अगेन 2, तो ये 2, 4 एक एलिमेंट आपको एक बार कॉपी करना होता है। अब देखिए जरा ए में कितने एलिमेंट, 3, बी में कितने, 2, तो ए क्रॉस बी के अंदर 3 × 2 6 आपको दिए जा रहे हैं। अब यहां पे रिमेनिंग 3 आप निकाल सकते हैं, remaining elements of A cross B, बताइए क्या बनेंगे, बना के देख लेते हैं अपन। 1, 2 दे रखा है, 1, 4 नहीं दे रखा तो 1, 4 हो जाएगा। देन 3 का जाएंगे, 3, 2 3, 2 से नहीं दिया, 3, 2 हो जाएगा। देन 3, 4 दे रखा ऑलरेडी, 4, 2 ऑलरेडी दे रखा है, 4, 4 ये दे रखा, देख बन जाएगा 4, ये सब आप समझ जाएगा पहले 3 एलिमेंट्स। तो ये देखा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ इसके दो सवाल किया हमने। अब अपन चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, तो लिखे डेफिनेशन, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर नोन एज रिलेशंस, और रिलेशन बोला था इसको लेट से इसका नाम बोल दिया हमने, सॉरी आर इसका नाम बोल दिया, डिफाइन फ्रॉम
A2, यानी A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो सारे क्या होंगे, A से B में रिलेशन बोले जाएंगे. एंड इट इज रिटन एज, सपोज रिलेशन का नाम आपने R दिया था यहां पे, तो R वो रिलेशन है. Such that इसको define किया आपने set A से set B. R is a relation such that it is defined from set A to set B. अब A cross B के जितने भी subsets बनेंगे वो सारे subset क्या होंगे, A से B में relation होंगे. ऐसे अगर आपको बोला जाएगी अगर B cross A का कोई subset है तो क्या होगा, यहाँ पे A cross B की बात कर रहे हैं, अगर B cross A का subset होगा तो उसको बोलेंगे आप relation from B to A. ये A cross B का तो A से B में, अगर B cross A का तो B से A के अंदर. ऐसे ही अगर P क्रॉस Q का तो P से Q के अंदर कोई रिलेशन उसको नाम दे सकते हैं. जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, इसमें एग्जांपल से बात कर लेते हैं. लेट सेट A मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. सेट बी हमने मान लिया 1, 3, 4, 5 and 9. और हमने यहां पे कुल चार रिलेशन डिफाइन की. तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में बनाता हूं उसको. एक R1 डिफाइन किया, B डिफाइन किया A से B, और इसका रूल फर्स्ट ही लेते हैं. इसका रूल ले लिया सपोज मैं R1 को, इसका एलिमेंट ले रहा हूं A कोमा B. ऑर्डर्ड पेयर ही आना है बिकॉज ये A क्रॉस B का सबसेट है. A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर ही, तो उसका सबसेट होगा उसके अंदर एलिमेंट क्या है ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. रूल मैंने बना दिया सपोज यहाँ पे A square equal to first component का square equal to second component. ये तो गया first. एक बनाया second में R1. ये भी again A से B define कर रहा और यहाँ पे R2 का reference नहीं जाना है. A को B such that equal to एक थर्ड डिफाइन किया मैंने R3, और ये डिफाइन किया मैंने ऑन सेट भी. यहाँ पे A से भी डिफाइन कर रहा हूँ R1 R2, ये ऑन सेट भी डिफाइन कर रहा हूँ. ऑन सेट भी क्या मतलब, सेट B से भी डिफाइन कर रहा हूँ, B से B डिफाइन. और इसका जो डेफिनेशन है वो लिया मैंने सपोज एलिमेंट आगे A को B सच दैट, ये लिया मैंने A ग्रेटर देन. तीन एग्जांपल आपके सामने है, R1 R2 R3 तीन रिलेशन है. R1 A से B डिफाइन है, रूल A स्क्वायर इक्वल टू B. R2 अगेन A से B डिफाइन है, रूल यहां पे इक्वल टू B है. और R3 डिफाइन है यहां पे ऑन सेट B. ऑन सेट B का मतलब B से B में डिफाइन है, सेकंड सेट भी वो B बन जाएगा. और यहां पे रूल दिया मैं A ग्रेटर देन B. अब इनके एलिमेंट अपन फाइंड करके देखते हैं कि तीनों रिलेशंस के एलिमेंट यहां पे क्या-क्या होंगे. फर्स्ट पे आते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई यहाँ पे. डेटा जो है वो मिट चुका है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे सेट ए और बी यहां लगा देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सेट बी में एलिमेंट ले लिया मैंने देन 3, 4, 5 और एक ले लिया मैंने 8 और 9. वहां पे कुछ डिफरेंट लिखा है तो उसको आपको ज्यादा लोड लेना नहीं, ये मान के चलिए. मेरे को वहां पे ध्यान नहीं एलिमेंट क्या लिखे थे मैंने. तो फर्स्ट R1 पे चलते हैं.
ए से बी डिफाइन किया तो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा, ऑर्डर पेयर हमें रूल दिया ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए वो आएगा सेट ए से, सेकंड कंपोनेंट बी आएगा सेट बी से, तो सेट ए को लेकर चलते हैं, उसका एलिमेंट होगा स्मॉल ए और सेट बी का एलिमेंट होगा स्मॉल बी। तो यहाँ पे ए क्या क्या पॉसिबल है, ए कैन बी 1, 2, 3 अप टू 8, वो डिपेंड करेगा उस रूल को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। तो वन बाय वन लेके चलते हैं, पहले ए को लिया मैंने 1 यहाँ, तो 1 रख दीजिए ए को यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर विल बी 1, तो बी इक्वल टू 1, क्या यहाँ पे सेट बी के अंदर 1 है, बिल्कुल है, तो ये रिलेशन 1 का हो जाएगा 1 के साथ। ऐसे ए को लेना आपको 2 रखिए यहाँ पे, 2 स्क्वायर विल बी 4, बी बन गया 4, क्या तो 4 है, बिल्कुल है, ये 2 का रिलेशन होगा 4 के साथ, ये बन गया 4। अब ए को लीजिए आप 3, तो ये 3 रखिए आप, 3 स्क्वायर विल बी 9, बी इक्वल टू 9, क्या बी में 9 है, बिल्कुल है, तो ये बन जाएगा 3, 9। ऐसे ही चेक करिए आप 4 को, ए को रखिए 4 यहां पे, 4 स्क्वायर विल बी 16, बी बन गया 16, क्या यहां पे सेट बी में कोई भी एलिमेंट 16 है क्या, नहीं है, मतलब 4 का रिलेशन किसी भी एलिमेंट से नहीं होगा, अगर 4 का ही नहीं हो रहा है तो क्या आगे आने वाले एलिमेंट का रिलेशन हो पाएगा इसके अंदर, डेफिनेटली नहीं। तो R1 के अंदर ये टोटल 3 एलिमेंट ही आएंगे। ऐसे अगर R2 को देखा जाए, अगेन इसे बी डिफाइन, तो ऑर्डर पे का फर्स्ट कंपोनेंट ए से, सेकंड कंपोनेंट सेट बी से, रूल दिया ए इक्वल टू बी, दोनों कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल, दैट इज इक्वल का मतलब बनेगी तो बन जाएगा 1, 1, देन 2, 2 नहीं बनना है बिकॉज 2 यहां तो है बट यहां पे नहीं है, 3, 3 बन जाएगा, देन 4, 4 बन जाएगा, 5, 5 बन जाएगा, नेक्स्ट 6 नहीं बनना है, 7 भी नहीं बनना है, और ये बन जाएगा 8, 8। तो ये होगा रिलेशन R2। अब थर्ड लेते हैं R3। R3 को देखिए, यहां पे R3 को डिफाइन किया है मैंने सेट B से सेट B के अंदर, या सेकंड सेट में हमें B रखा है, तो ये बनेगा B क्रॉस B का सबसेट, B क्रॉस B का सबसेट, इसका मतलब जो पहला कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का वो भी B से आएगा और सेकंड भी किससे आएगा, B से आएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो आप एक काम करिए, सेट बी को आप 2 बार लिख लीजिए, जैसे बी यहाँ पे और एक बार आपको बी और लिख देना, इससे कोई फालतू में कंफ्यूजन नहीं हो। तो रूल क्या तरीका है, फर्स्ट कंपोनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट, तो जैसे मैं बी को एक बार और लिख दूं यहाँ पे, या फिर इसी से काम चला सकता है, फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बन पाएगा, क्या 1, 1 बनेगा, क्या 1, 1 से बड़ा क्या नहीं, क्या 1, 3 बनेगा, क्या 1, 3 से बड़ा क्या नहीं, तो अगर 1, 3 नहीं बनना है तो आगे तो बनने का सवाल ही नहीं पता होता। तो 1 का काम तो खत्म हो गया, अब आ जाओ 3 के ऊपर, 3 को 1 by 1 सभी के साथ स्कैन कर लेना, क्या 3, 1 बनेगा, बिल्कुल बनना है बिकॉज 3 1 से बड़ा ही होता है, तो आ गया 3, 1। ऐसे 3, आगे 3, 3 से करेंगे, 3, 3 नहीं बनना बिकॉज 3, 3 इक्वल होता है, आप बोल रहे हैं कि वो से बड़ा होना चाहिए, देन 3, 4 3, 4 से बड़ा नहीं होगा, 3, 4 भी नहीं बनना, तो आगे तो बनने का सवाल ही पता नहीं होता। ऐसे 4 को लीजिए आप, 4 को 1 by 1 सबके साथ स्कैन कर देना, 4, 1 बनना बिकॉज 4, 1 से बड़ा होता है, 4, 1 हो गया, देन 4, 3 बन जाएगा, ऐसे 4, 4 नहीं बनना बिकॉज आपस में इक्वल हो गए, ऐसे 4, 5 4, 5 से बड़ा तो होता नहीं, मतलब 4, 5 भी नहीं बनेगा, ऐसे 4, 8 भी नहीं बनना, 4, 9 भी नहीं बनना। अब आते हैं 5 के ऊपर, 5 के साथ भी क्या रहेंगे, 5, 1 बन जाएगा यहाँ, 8, 3, 5, 4 बन जाएगा, 5, 4 नहीं बनना है, 5, 8 भी नहीं बनना है, 5, 9 भी नहीं बनना है, अब दोनों कैसे इक्वल है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट रूल बना के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। R1 में कुछ और रूल लिया था मैंने, R2 में कुछ और रूल लिया था, और R3 में कुछ और रूल लिया, तो रूल्स पे डिपेंड करता है कि रिलेशन के एलिमेंट क्या आने वाले हैं। अब आपका दिमाग ही काम करना चाहिए कि कितने रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं,
तो देखिए जो इसका डेफिनेशन है उसके पास चाहिए वो आपको आंसर करेगा। आपने बोला कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो अपने आप में क्या होगा, ए से बी में रिलेशन होगा। अब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही क्या बन जाएंगे, ए से बी में रिलेशन बन जाएंगे। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि सेट ए के अंदर पी एलिमेंट है और सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, सेट ए के अंदर पी एलिमेंट और सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन बता दीजिए आप। तो आपका दिमाग ही काम करना चाहिए कि अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइन करने हैं मतलब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा और ए क्रॉस बी के सबसेट्स डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। अब ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पी इंटू क्यू। अगर ए क्रॉस बी के अंदर पी इंटू क्यू एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, टू की पावर पी क्यू। इसको अपन एज ए नोट लगा लेते हैं। तीन टर्म्स काम आते हैं वो देख लेते हैं। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, सपोज कोई रिलेशन आपने आर लिया डिफाइन किया आपने सेट ए से सेट बी के अंदर, इसका एलिमेंट मान लिया आपने ए कोमा बी। अब ये तो आपको अपने लिए जरूरत नहीं है कि ए किससे आना है, सेट ए से आना है, बी यहाँ पे सेट बी से आना, लिखना सिंपली भी सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। रूल इसका कुछ हो सकता है, रूल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पे डोमेन को। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनता है उसी का नाम क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसका डेफिनेशन बना सकते हैं डोमेन ऑफ सेट रिलेशन आर, तो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स, फर्स्ट यहां पे कौन सा है, ई है, तो ई इसका एलिमेंट हो गया सच दैट। अब ये जो ए कोमा बी पेयर दिख रहा है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने रिलेशन डिफाइन करना है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर काम आने हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, उस रिलेशन का डोमेन बन जाएगा। सेकंड टर्म रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन का डोमेन बन रहा है फर्स्ट कंपोनेंट का सेट और रेंज बनेगा सेकंड कंपोनेंट का सेट। सेकंड कंपोनेंट क्या रखा है मैंने यहां पे, बी रखा है, तो बी इसका एलिमेंट हो जाएगा सच दैट ये ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इसको बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कोडोमेन, कोडोमेन बहुत ही सिंपल है, जैसे अगर आप ए से बी डिफाइन करें तो सेकंड सेट जो भी बनेगा उसी को बोलते हैं कोडोमेन।
सेकंड सेट जो भी होना है वो पूरा क्या बन जाएगा आपके कोडोमेन। तो अगर आप ए से बी डिफाइन करें तो बी विल बी कोडोमेन, अगर बी से ए डिफाइन करें तो ए विल बी कोडोमेन। इनको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल एज ए क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट लेट एक रिलेशन डिफाइन किया आपने आर, और ये डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल नंबर्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू फॉर सेट ऑफ ऑल नंबर्स, एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिफाइन बाय x, y ऑर्डर पेयर मान लिया है सच दैट इसका रूल मिल लेते हैं अपन x प्लस 3y इक्वल टू 12। देन फाइन फर्स्ट r फाइन करना, सेकेंड डोमेन फाइन करना है, डोमेन ऑफ आर, थर्ड आर की रेंज फाइंड करनी है, रेंज ऑफ आर, लास्ट वन कोर डोमेन ऑफ आर बनाइए। सर अगेन जैसा कि वो बताया था मैंने, कोई भी सवाल आपको दिया जा रहा है तो सवाल को पढ़ने के बाद में, उसको नोट डाउन करने के बाद में वीडियो वहीं पॉज कर देना आपको, और अपनी तरफ से आपको वो सवाल अटेंड करना है। करते हैं W से N डिफाइन किया और रूल आपको दिया, रूल की बात करें तो x plus 3y will be ऑर्डर पेयर रखा मैंने यहां पे x को, y x तो आएगा यहां पे w से और y आएगा n से। तो किसी भी एक पे काम कर लीजिए, या तो x पे काम कर लीजिए या तो y पे काम कर लीजिए। मैं यहां पे y पे काम कर रहा हूं, आप चाहें तो x पे काम कर सकते हैं। x पे लिखा मैंने यहां पे 12 minus 3y, y यहां पे आ रहा है सेट n से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर 1 से होते हैं। तो पहले y की वैल्यू रखी मैंने यहां पे 1, अगर y 1 होगा तो 12 माइनस 3 विल बी 9, x बनेगा 9, और 9 एक होल नंबर ही होता है। तो रिलेशन r के जो एलिमेंट आने वाले हैं वो आप देख रहे हो यहां पे, y को रखा 1 तो x आया पे 9, तो 9 को होल नंबर होंगे। ऐसे y को रखिए आप 2, ये बन जाएगा 6, 12 माइनस 6 विल बी 6, तो x बन गया 6, तो ये बन गया 6 को मार 2। देन ऐसे y को रखिए आप 3, तो ये बन जाएगा यहां पे 9, 12 माइनस 9 विल बी 3, तो ये बन जाएगा 3 को मार 3.3। ऐसे ही y को रखिए 4, ये बन गया 12, 12 माइनस 12 विल बी 0, x बन गया 0, 0 कौन नंबर ही होता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0.4। अगर ऐसे ही y को रखेंगे आप 5 इंटू 3 15, 12 माइनस 15 नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कोई नंबर होल नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर 5 भी नहीं बन रहा है तो आगे तो बनने का जिसमें सवाल नहीं, ये तो बाकी आर के यहाँ पे एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं आर के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 9.1, 6.2, 3.3 एंड 0.4। सेकंड सवाल जो है इसका डोमेन फाइंड करना, डोमेन का मतलब देखा भी आपने वहां पे डेफिनेशन किया था, ये जो भी आर की जो भी रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, फर्स्ट कंपोनेंट देखिए क्या क्या बन रहे हैं, 9 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, बन गया 9.6.3.0 डॉट। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज ऑफ रेंज बनता है सेकंड कंपोनेंट से, सेकंड कंपोनेंट देखिए क्या बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये सेकंड में थर्ड लास्ट फोर कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेकंड सेट जो भी आपको दिया जा रहा है, सेकंड सेट यहां पे क्या है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो ये विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से किसी भी रिलेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसका इवेंट आप निकाल सकते हैं, जो भी रूल दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, और साथ में उसका डोमेन रेंज और कोडोमेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक सवाल इस पे और देख लेते हैं। ऐसे 2.3 नहीं बनना है, बिकॉज़ 2.3 का फैक्टर नहीं होता, 2.4 ही बनना है।
3.5 नहीं बनना, 2.6 बन जाएगा। अब 3 पे आते हैं, 3.1 नहीं, 3.2 भी नहीं बनेगा, 3.3 बनेगा, देन 3.6 बन जाएगा। 4 पे जाएंगे, 4.1 नहीं, 4.2 भी नहीं बनेगा, 4.3 भी नहीं बनेगा, 4.4 बनेगा, 4.5 नहीं, 4.6 भी नहीं। 5 पे आ जाएंगे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 बन जाएगा, 5.6 भी नहीं बनेगा। अब आ जाओ 6 पे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 बनेगा। तो ये इसके एलिमेंट्स बन गए। अब इसका टॉपिक डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन फाइंड करना बहुत ही आसान है। जो भी आपने इंटीग्रेशन बनाया है उसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, ऑर्डर पेयर जो भी काम आ रहे हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, फर्स्ट कंपोनेंट देखिए 1 चल रहा है, देन 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो इस सवाल के अंदर तो ये सेट ए पूरा ही आ चुका है, बाकी हर किसी सवाल में सेट ए पूरा आया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑलरेडी आप एक सवाल देख चुके हैं। तो यहां डोमेन क्या बन चुका है, सेट ए बन चुका है। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज देख लीजिए क्या बनेगा, सेकंड कंपोनेंट का सेट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अगेन यहां इस सवाल के अंदर ये सेट ए पूरा आ चुका है, बट हर किसी सवाल में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और कोणों में नाम जानते हैं क्या हो गया, सेकंड सेट के आते सेट ए बनेगा। तो यहां तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों बराबर आ रहा है, बाकी हर किसी सवाल में ऐसा आए कोई जरूरी नहीं है। एक चीज में और देखिए आप कि किसी भी रिलेशन का जो भी रेंज बनना है, रेंज कहां से आता है, सेकंड सेट से आता है। और सेकंड सेट से इस एग्जांपल की बात करूं मैं, या फॉर एग्जांपल को दूसरा अगर एग्जांपल लूं, अगर कोई आपने आर डिफाइन किया वो ए से बी डिफाइन किया, तो इसका जो भी रेंज बनेगा वो ऑलवेज आएगा सेकंड सेट से, बिकॉज जो सेकंड कंपोनेंट आता है वो सेकंड सेट से आता है। तो रेंज के जो भी एलिमेंट बनने हैं वो सेकंड सेट बी से आ रहे हैं, और बी यहाँ पे क्या है कोडो में, तो जो रेंज बनेगा क्या वो सेट बी के अंदर से ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडो में। तो इसको आप ऐसी नोट लगा देंगे, तो यहां पे नोट लगा दे रहा हूं। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, आज के लिए इतना ही, और इसकी आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।